वेतन भत्ते एक समान, हमारी मांगे पूरी हो। दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया, सरकार ने हमारी मांगों को अनदेखी किया। इसके बाद में हमने प्रांतीय आह्वान पे निर्णय लिया कि संपूर्ण राजस्थान में 18 तारीख से लगातार 22 अगस्त तक धरना दिया जाएगा। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती है, हमारी 11 सूत्री मांगे हैं नहीं मांगती है, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे इस आंदोलन को सरकार देखे और हमारी मांगों पर विचार करे। संयुक्त संघर्ष समिति का धरना चौथे दिन भी रहा जारी। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय डीबी जनरल अस्पताल में गत 18 जुलाई से राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। शुक्रवार को राजगढ़ ब्लॉक से फूले सिंह बसेर के नेतृत्व में दिए गए धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जब तक सरकार हमारी 11 सूत्री मांगों पर विचार नहीं करेगी, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। जिला संयोजक प्रदीप चौधरी ने बताया कि मांगे नहीं माने जाने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सरकार को हमारी 11 सूत्री मांगों को मानकर कार्मिकों को राहत देनी ही होगी। राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति का हमने गठन किया है प्रांतीय आह्वान पे, जिसमें संपूर्ण राजस्थान में 18 तारीख से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उससे पहले भी हमने सरकार को अवगत कराया था। जयपुर SMS अस्पताल में हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, सरकार ने हमारी मांगों को अनदेखी किया। इसके बाद में हमने प्रांतीय आह्वान पे निर्णय लिया कि संपूर्ण राजस्थान में 18 तारीख से लगातार 22 अगस्त तक धरना दिया जाएगा और 23 अगस्त को महारैली किया जाएगी। ये क्यों किया जा रहा है? राजस्थान सरकार ने हमने 11 सूत्री मांगों की एक गठन किया गया, 11 सूत्री मांगे हैं राजस्थान नर्सेज की, जिसमें मुख्य मांग है कि जो संविदा पे काम किया ये हम लोगों ने उसको सर्विस काल में जोड़ा जाए और आगामी जो संविदा प्रथा चला रखी है सरकार ने उसको संपूर्ण तरीके से बंद किया जाए और जो 2023 की भर्ती निकाली गई है सरकार उसको जल्द से जल्द पूर्ण करवाए और एक निदेशालय का गठन किया जाए, जिसे हम हमारी मांगे डायरेक्ट निदेशालय को बता सकें। यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो संयुक्त संघर्ष समिति एक बड़ा उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन व राज्य सरकार की होगी। लगातार राजस्थान के हर जिले में हर जिला हेडक्वार्टर पर धरना दे रहे हैं। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती है, हमारी 11 सूत्री मांगे हैं नहीं मांगती है, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। 23 अगस्त को हम समस्त राजस्थान से जयपुर कूच करेंगे और आगे जो भी असुविधा होती है वो राजस्थान सरकार उसकी जिम्मेदार होगी। राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति का ये धरना हमारे जिला हेडक्वार्टर पर दिनांक 18 जुलाई से लगातार चल रहा है और हम समय समय पर ज्ञापन देते हुए सरकार को बार बार अवगत करा रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती है तो इस आंदोलन को और इस धरना प्रदर्शन को बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से आगे गति दी जाएगी। आगामी रणनीति के तहत हमने ब्लॉक वाइज सभी को बुलाया है यहाँ जिला हेडक्वार्टर पर। कल हम सरकार को चेताने के लिए हम सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं। अगर सरकार को सद्बुद्धि दे हमारे जो मांगे हैं और जो निरंतर हमारे नर्सेज को जो तकलीफें हो रही है उन पर वो ध्यान दें, इस बात के लिए हम कल सुंदर पाठ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे इस आंदोलन को सरकार देखे और हमारी मांगों पर विचार करे। इस अवसर पर दिए जा रहे धरने में सुनीता, राजेश पुनिया, मंजीत, सरोज बाला, संजय, मोहम्मद आरिफ, संगीता, शर्मिला, पूनम, मामराज ईसरान, दयानंद, हरिबाबू मीना, रोशनी कसवां, सुमेर सिंह, रंजीत गांविया, महेंद्र कुमार, पन्नालाल, विनोद कुमार, नरेश कुमार, स्नेह सिंह, सुमेर कसवां, शबनम, शहनाज, सुधा, सोनू सहित बड़ी संख्या में नर्सेज कर्मी उपस्थित थे।